भाई अच्छी है भाई। रॉबर्ट के साथ प्यार करता है अच्छी है। पाँच मिनट स्टार करते हैं। दो मिनट, क्या कहानी को लेके क्या ख्याल है, कॉन्सेप्ट वगैरह कितना यूनिक है? कुछ नया था लेकिन अच्छी है। रोबोट और ह्यूमन के बीच का लव स्टोरी बताया, वो कैसा लगा आपको? अच्छा, क्या लगता है आने वाले दिनों में रोबोट्स ह्यूमन को रिप्लेस करेंगे क्या? नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या लगता है लोगों को पसंद आएगी फिल्म देखते वक्त? लोगों को देखना चाहिए, आना चाहिए, अच्छी भी है, अच्छी मूवी है। आपके 3.5 अच्छी है। अच्छी है स्टोरी अच्छी है। हाँ, लोगों को पसंद आएगी। काम कैसे सब लोगों का? काम भी अच्छा है। क्या रेटिंग्स देंगे 5 में से? हाँ, 5 में से रेटिंग्स क्या देंगे? 5 में रेटिंग का क्या बेस्ट लगा फिल्म में? अच्छा, कहानी कॉन्सेप्ट कैसा है फिल्म का? नहीं, अच्छी थी मूवी। शाहिद और कृति की काफी तारीफ हो रही है। बहुत अच्छी थी। ओके, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? आपको कैसी लगी मैडम? 3.4। कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी। आने वाले दिनों में क्या रोबोट्स रिप्लेस करेंगे ह्यूमैनिटी को? आई डोंट थिंक। ओके, व्हाट यू कैन से अबाउट केमिस्ट्री बिटवीन कृति एंड शाहिद? सॉरी, अमित जोशी ने बहुत बेहतरीन बनाई है। मतलब मैं इतना एक्सपेक्टेशन, आराधना का नाम भूल रहा हूँ, हाँ उन्होंने भी, मतलब मैं इतना एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया था। मूवी बहुत बढ़िया है और आज के यूथ को ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि आज के यूथ में ऐसा AI लोग जानते नहीं है, और AI कितना डेंजरस हो सकता है ये लोगों को मालूम होना चाहिए। ये मूवी देखनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आने वाले दिनों में रोबोट्स ह्यूमैनिटी को रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, आप सबने पढ़ा होगा इंटरव्यू में कि इलॉन मस्क ने भी कह दिया कि AI कितना डेंजरस है, ह्यूमन को भी रिप्लेस कर सकता है। मशीन्स को तो कर ही दिया है, मतलब ह्यूमन को भी कर सकता है, ऐसा चांसेस है। बहुत अच्छी है मेरे को तो, बहुत अच्छी लगी। कृति की काफी तारीफ हो। अरे, कृति भारी पड़ गई शाहिद पे। मतलब मैं शाहिद कपूर का फैन था, अब कृति सेनन का बन गया। क्या बात है, क्या बात है, इतनी अच्छी है मूवी। लोगों को पसंद आएगी ये कॉन्सेप्ट? अरे, बहुत पसंद आ रही है। एक्चुअली अगर फर्स्ट हाफ देखेंगे ना तो 15-20 मिनट स्टोरी बिल्डिंग में थोड़ा दिया है, मतलब बोर होता है थोड़ा, मतलब पब्लिक को फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होता, पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है ना, बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छी होती है। फेवरेट सीन रहा है थ्रू द फिल्म? ऐसा हर एक सीन इसका अच्छा, मतलब स्पेशली इसमें जो फनी सीन्स है ना वो सबसे बेस्ट है। मतलब जो कॉमेडी की है ना, मतलब बेहतरीन तरीके से दर्शाई गई है। 5 में से 4 इतनी अच्छी है। पिक्चर बोली तो नहीं चलेगा, बट टाइम पास। अच्छा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा रोबोट और यू नो इंसान? रोबोट अच्छा लगा। ओके, शाहिद कपूर और कृति का काम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। व्हाट्स द फिल्म वाज? यस, इट वाज वेरी नाइस, आई एंजॉयड। टाइम पास गुड टाइम पास। व्हाट यू कैन से, व्हाट वाज द नो वायलेंस, नो वायलेंस, नथिंग, न्यू कॉन्सेप्ट। Therefore, what you can say, in upcoming days will robots replace the humanity? Yeah, exactly. Yeah, they are replacing. Now they are already doing it. They are already so doing it. This was an like you know, for human being also. Just as an example, we can say. What you can say about a concept? Is it unique? Yeah, unique. Exactly. What you can say about chemistry between Kriti and Shahid? Very nice. Very beautiful. Would you love to watch them again? Not again. One time. You nowadays can all movies are only one time. One time. Okay. What's your rating out of 5? 4. So Ulja ji, yeah, साल की सबसे बड़ी लंबी टाइटल वाली फिल्म देखी। मूवी अच्छी है, एंटरटेनिंग है, मतलब ऐसा कंटेंट ड्रिवन फिल्म नहीं, दिमाग साइड में रखो और वैलेंटाइन वीकेंड एंजॉय करो, फैमिली फ्रेंड्स जिसके साथ जाना है जाओ। इट्स अ मतलब एंटरटेनर, दिमाग ज़्यादा चलाओ मत, थोड़ा मतलब होता है कुछ सीन्स ओवर लगता है, बट टाइम पास हो जाएगा। मतलब ये साल मतलब फाइटर्स है तो मच बेटर है। फाइटर्स ने तो वैसे भी डिसअपॉइंट बहुत किया था, पर ये फिल्म इज मच बेटर देन फाइटर्स। कॉन्सेप्ट को लेके काफी तारीफ हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है? कॉन्सेप्ट अच्छा है फिल्म का, और आज के ज़माने के हिसाब से, और क्लाइमैक्स में जो है फिल्म का मैसेज वो भी अच्छा किया दिया है, जिस अच्छे से, मतलब एन एंटरटेनिंग फिल्म विद अ गुड मैसेज, तो मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। मेरे हिसाब से थोड़ा और मैसेज पे फोकस कर देते सेकंड लास्ट का, पर मतलब थोड़ा बहुत डिटेल में। बट शायद और कृति की काम कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम दोनों की जोड़ी सामने आई? केमिस्ट्री इज वेरी गुड, मतलब सुपर केमिस्ट्री है दोनों के बीच। दे शुड डू मोर मूवीज एक साथ। केमिस्ट्री मतलब सॉन्ग से लेके उनका जो कॉन्वर्सेशन सीन्स है सब परफेक्ट है। क्या लगता है आने वाले दिनों में रोबोट्स ह्यूमन को रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे? वो उसके ऊपर, अब वो हमारे ऊपर। टॉपिक वैसे तो कंक्लूजन क्या निकल गया था? सी, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। तो AI के ऊपर तो ऐसे भी मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो अपने ऊपर है हाउ वी ट्रीट देम।
ट्रीट देम। हाँ अभी AI पे BMCM भी आने वाली है ईद में, वो भी AI पे ही है, उसमें विलन विलन बनाएंगे। मूवी देखो, मतलब एक तुम लोग स्ट्रेस वाली लाइफ से कुछ अगर कुछ एंटरटेनमेंट फिल्म देखनी है तो एंजॉय करो वीकेंड में, आई वुड से।